मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, काजी शिले की शादी हुई और घूंघट उठाया बीवी, यहाँ तो सहेलियां कहती नौ नौ थल्ले ना लगी पहली रात, जिसमें मैं खुली खुली बात कर रहा हूं, मेरे बच्चों ये बेगैरती है। जब बाप ने पकड़ के हाथ में दे दिया ना, हाथ ना लगाने दिए, पहले चार पांच दिन से मिनट तरले कराइए, पहले पांच साल बच्चा कोई नहीं होना, ये अभी बैठ के जो मोहब्बत की बात प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, ये मेरी भाई बहने भी सुनो, तुम खुदा के वास्ते खौफ करो मेरी बच्चियों, मकान बन के घर के अंदर सुकून नहीं, उन मकान को चाटोगी, शोर तलाक देने को फिर रहा, बीवी खुला लेने को फिर रही, क्या बात है इस मकान का। शादी की पहली रात काजी सुरे रहमतुल्लाह अलैह ने दूल्हा का घूंघट उठाया, ना सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, खुदा करे मेरा तेरे घर के अंदर आना खैर से खाली ना हो, अगर कमी पेशी है मेरे कदमों की बरकत अल्लाह वो दूर फरमा दे, अगर मेरे किरदार में कमी, अब मैं तेरे खूंटे से बंध गई, अब क्या करी, मुझे बताओ आपके सुबह के उठने का वक्त क्या है, नाश्ता किस वक्त करते हो, खाना किस वक्त खाते हो, रात की रोटी किस वक्त खाओगे, मैंने आपकी टांगे कब दिबानी है, मैंने दूध आपको कब बना के देना, मैंने कपड़े आप बताओ हफ्ते में कितनी दफा पहनोगे, आपकी खिदमत करनी है, आपकी अम्मी की करनी, बहन भाइयों की कितनी, सारे मुझे लिख के दे दो ताकि बार बार आपको कहने का मौका ना मिले। काजी शुरे की आंखों में आंसू आ गए, ओहो, फिर कह रही है मुझे बताओ मैंने आपकी आप रोटी खाने में आपका इंतजार करना के पहले खा लूं, सुभान अल्लाह, मुझे बताओ मेरी अम्मी आपके घर में महीने में साल में आवेगी या नहीं आएगी, मेरा अब्बा आएगा या नहीं आएगा, अगर माँ से मिलने को दिल करे मुझे छोड़ के आओगे या माँ मिलने वास्ते आवेगी, अब मेरे बाप का घर खत्म, अब तेरे खूंटे पे बंद गई, बताओ बता मैं हफ्ते में कितनी मर्तबे नहाऊं, बताओ बता मैं कपड़े रोजाना पहनूं या हफ्ते में पहनूं, बता बता रात को कब तक जाग जाग कर मैं तेरा इंतजार करूं तुझे सुकून पहुंचाने के लिए, हफ्ते में कितनी मरतबा इंतजार करना पड़ेगा, कितनी मरतबा सोऊंगी। काजी शरे की आंखों में आंसू, वहां दूल्हे रो रही है, दूल्हे रो रहे, का तेरे जिस्म को हाथ बात में लगाऊंगा, पहले बता उस माँ को कब बुला कर दीदार कराएगी जिसने बेटी नहीं भेजी जन्नत की हूर बना के मेरे घर के अंदर भेज दी है, बता उस माँ कहां गई वो बाबूजी शादियां, अब तो पहली रात घर से मां भी खारिज, बहने भी खारिज, शादी की पहली रात सुबह पहला दिन अगर बहन कमरे में बढ़ गई, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई, तेरी बहन सिर उठा के आ गई, अगर ये चलेगा तो मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मैं मम्मी के जाऊंगी, उस वक्त ना मेरी बच्चियों जिंदगी चार दिन की, तुम तो वो फूल हो जो अपने घर के आंगन में खुशबू देती रही, इस फूल की खुशबू की सलामती के लिए शादी हाल में बरात वाले दिन 1,000 आदमी ने रो के दुआएं दी, रो के इस फूल की हिफाजत के लिए गाड़ी चलाने वाले परदेसी थे, वो जानते नहीं थे राव की बेटी या मलकों की, वो भी रोने लग गए, हत्ता के काम करने वालियों ने भी रो रो कर, बर्तन मांजने वालियों ने भी रो रो कर इस फूल की खुशबू की सलामती की दुआ दी, इस फूल को खुशबूदार रहने देना मेरी बच्चियों, इस फूल को बदबूदार न बनाना, ऐसी खुशबू बना के जाना कि नस्लों तक याद रहे, बहू तो फला बीवी तो फलाने की थी, अगर इसके अंदर बदबू आने लग गई ये ऐसा कचरा है, अल्लाह अकबर ससुराल के घर को तबेड़ा गर्क करेगा करेगा, लेकिन खुदा पाक की कसम इसकी बदबू तेरी सगी बहन भाइयों के घरों को उजाड़ के रख देगी। बस मैं अपनी बच्चियों को दबे लफ्जों में ये बात कह के जा रहा, और मेरे प्यारों तुम भी ख्याल करियो, रो नुमान साहब, रो इरफान साहब, खुदा सलामत रखे, इसी तरह माँ बाप का फरमा बरदार रखे, कभी घर के अंदर किल किल को रवाज न देना, गुस्सा यूं समय के पीना जैसे गर्मी में ठंडा पानी पीते हो, बर्दाश्त ऐसे करना जैसे मेरे अजीजों पो माँ की सर्दी बर्दाश्त करते हो, कभी किसी के कहने पर अच्छा मैंने कह दिया ना मैं हूं ना, मेरे से तेरी शादी हुई ना तो फिक्र ना कर, कभी अच्छा मैं भी जा रहा हूं, कभी माँ को ना झुकाइयो, कभी बाप को ना झुकाइयो, अपने आप को 10 मर्द बाप बीवी के आगे झुका ले, अपने माँ बाप को कभी झुकने का मौका ना दियो, अगर अब्बा को झुकाया तेरे बाप ने रुमाल कंधे पे डाल के कहा ओहो बेटे जैसी तेरी मर्जी, और यूं करके उसने देखा आंख के हाले में आंसू आने से पहले उसकी तरफदारी के लिए खुदा मैदान में खुद आ जाएगा,
इसे तो दो रोटियां कोई ना कोई दे देगा, वरना खुदा तेरे घराने से रिजक छीनने में देर नहीं करेगा। अल्लाह बेड़ा गर्क करके रख देते हैं जो माँ बाप का साथ नहीं देता। मैं यूं नहीं कहता बीवों को हक ना दो, लेकिन उनका हक ये नहीं कि उनको हक देते देते माँ बाप का हक ही छीन लो। पहली रात अदरवाइज एक्स वाई जेड कोई भी होवे, अपनी बीवी के गयी हाँ जोड़ दे, कोड़ियाँ भी जोड़ देना। अलहदा खा तेरी मर्जी, अलहदा बहन तेरी मर्जी, अलहदा रह तेरी मर्जी, लेकिन कभी मुझे मेरे माँ बाप से जुदा करने का सोचना भी ना। जब मैं बेसहारा था तो इन्होंने सहारा दिया, अब ये बेसहारा हो गए, सहारा मैं बनूंगा। इनकी रोटी, इनका खर्चा, इनका पानी, इन पे ज़कात भी लगेगी, इन पे उशर भी लगेगा, इन पे फितराना लगेगा। जिस दिन मैंने साथ छोड़ दिया, तू चाहती है कि मैं अमेरिकन डॉलर खाऊं, मेरे माँ बाप ज़कात खाएं। इनके मामले में कभी ना बोलियो, बाकी जो मर्जी कर, डबा चोरी कर तेरी मर्जी। एक बात का और ख्याल करियो, भाइयों के दरमियान में ना आना, तेरा हक में कभी नहीं आने दूंगा। अगर बहन दरवाजे पर आ जाए तो अल्लाह अकबर, तू बहनों के चेहरे में मेरा चेहरा देखियो। बस ये चार रिश्ते, तीन रिश्ते हैं, माँ बाप का, बहन भाइयों, बहनों का और भाइयों। कोशिश करा करो हासिल करवा लो, बहन दरवाजे से मायूस होके ना जावे। राव साहब आज की बात है, मुझे तकरीबन दो माह हो गए, मैं अपनी बहन के घर नहीं गया। पता है मैं 11 बजे उसका फोन आया आज, और मुझे वो शुरू से बचपन से कहा करते वीरे, और वीरे और बिल्ले, हम दोनों बहन भाई एक उम्र के थे, मदरसे में इकट्ठे पढ़े, आप इकट्ठे बने, कुरान भी हमने इकट्ठे एक दूसरे के पीछे सुना खड़े होकर, बड़ा कुरान पाक याद है। कैंसर में थी, अल्लाह ने उसे सेहत दी, फिर दोबारा बीमार थी, क्या करें। मीठी रोटी पका के खा रही थी तो मुझे याद आ गया, मैंने तुझे फोन कर दिया, जा तुझे मीठी रोटी खिलाऊं। वो मंडी बहुत दी इनमें, मैं हफ्जाबाद में 100 किलोमीटर का, लेकिन जब उसने कहा ना मीठी रोटी खिलाऊं, खुदा की कसम उसके बोलों की लज्जत मुंह में के अंदर महसूस होने लगी। फिर मुझे कहने लगी मुझे गुड़ के चावल तुझे पता बड़े पसंद थे, मैंने पिछले हफ्ते भी बनाए, मेरा इतना दिल करा मैं दौड़ के तेरे पास आऊं, लोग मैं बना बना के तुझे गुड़ के चावल दूं, वो मेरे लिए इतना करे, मैं उससे को अच्छा मेरे पास टाइम ही 10 मिनट बात करियो ना भाई, ना भी याद आवे, ना भी याद आवे, झुट्टी बैठ कर दिल रखने के लिए। अच्छा रात भिंडियां पकी थी, मुझे पता तू कच्ची खा जाती, मैंने अल्लाह अगर पहले लुकमा लेते तू याद आ गई। मैंने कहा काश मेरी बहन होती, मैं लेके आता, इतनी सी बात कह देगी, तू तो कह के तकरीरों पे चला जाएगा, बहन को भूल जाएगा। खुदा पाक की कसम इन जुमलों को याद कर करके वो रोजाना पता नहीं कितने हफ्तों ख्वाब में तेरे से मुलाकात करती रहेगी। ना भी जाने का बहनों के घर ही इरादा हो, ओह मेरा आने का इरादा था भाई, ये काम पड़ गया हूँगा। खुदाए पाक की कसम यूं नहीं कहेगी, तू तो झूठ बोलता रहे वे, कहे हाँ कोई बात नहीं काम पड़ गया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, अल्लाह तेरे बच्चों को सलामत करे, इनको खगोल के तो देखो, इनको टटोल के तो देखो। खुदाए पाक की कसम बहनों के दिल में नफरत की बदबू नहीं आती, हमेशा प्यार की खुशबू आती है। ये तो जमीन के टुकड़े पर थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाए। राव साहब आपने हासिलपुर समेत पूरी दुनिया में देखा, जब भी माफ करे तो बहन ही अपना हक माफ करना, हमने कोई नहीं लेना, जैसी भी हो 20-20 साल से हाथों से कपड़े धोरी मशीन, ना हमने कोई नहीं अपना रखना, हमने नहीं लेना, और तुझे ना भी ना कोई नहीं हमारा इल्ला तेरे बच्चों के काम आवेगा। कभी ये भी तो अपने दिल के अंदर जरफ रख, और बहन को जब देना हो तो कभी बीवी को सामने ना आना, वरना वो लेगी नहीं, खुदा की कसम हमेशा वो तेरे से झुक के बात करेगी, सीना तान के बात नहीं करेगी। बीवियों के आगे बहन को कभी शर्मिंदा ना करियो। इनकी बददुआ से बचना, इनकी दुआएं लेना, अल्लाह अकबर। खुदाए पाक की कसम बहन मरने के बाद दुआ दे दे, कब्र से उठा के जन्नत में पहुंचा देती है। और मेरे अजीजो बहन शीमा दुआ दे दे, अल्लाह या रब्बी अबकी लना मुहम्मदा, बहन शीमा दुआ दे दे, हलीमा के बेड़े से उठा के अरशे मुअल्ला पे पहुंचा देती है। ख्याल करिए मेरे बच्चे, ये बड़ी नुकते की बातें हैं जो देख के जा रहा हूं। घर बनाओ बसाओ मेरे अजीजों, घरों को तबाह ना करो अल्लाह के वास्ते, अपने घरों को 4 दिन की जिंदगी है, क्यों किसी के आंसू लेके जा रहे, खुश खुश दुनिया से जाओ, जख्म अपने दिल में के अंदर लेके चले जाओ कि दुनिया को जख्म लगाने का मौका ही ना मिले। बहनों के दर्द का जख्म, भाइयों के दर्द का जख्म, फुप्पी मामियों के दर्द का जख्म, फुप्पी बे औलाद है, औलाद कोई नहीं, ऐसा बन के दिखाई उसे महसूस ही ना हो कि मेरा बेटा कोई नहीं, मामा बे औलाद है,
कईयों को घर बुला के मिल ले करो, कईयों के घर जा के मिल ले करो, और वहां क्या देखो ना घर ना बताना बस। अल्लाह फरमाता तू नहीं कहता घर ना बताना, ये तेरा खैरात ये तेरी मोहब्बत को मैदान माशर में मैं बुला बुला के बतलाऊंगा। ये है वो जो गरीबों की मदद करता था, ये वो जो फुप्पी को दवाई दे के आया करता था, ये है वो जो बेवा बहन के घर भेजने का राशन, ये है वो खड़ा वो उसे लाओ।